हेलो स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल इन बी सब अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स टूडे इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द स्पर्मेटो एंड उनेसिस इन प्रीवियस वीडियो वी विल ऑलरेडी स्टडी अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन इसमें हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कि हाउ द गैमिट आर फार्म इन द गैमिट इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गैमिटेंजिया क्या है टेस्टिज है और ओवरी है ओवरी इन साइड द ओवरी वो जेनेसिस प्लेस एंड इन साइड द टेस्टिज इस्पारेटोजेनेसिस प्लेस तो इस चैप्टर में हम इसी चीज को पढ़ेंगे गैमिटोजनेसिस का टॉपिक है और गेमिटोजनेसिस में हम पढ़ेंगे क्या इस्पारमेटोजेनेसिस इस्पारमेटोजनेसिस का सेंस क्या है स्पार्मेटोजेनेसिस का मतलब ही होता है क्या फार्मेशन ऑफ स्पर्म इनसाइड द टेस्टिज ठीक है अब स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में इस पार्ट को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में कहते हैं इसको वो जेनेसिस नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इट इज द प्रोसेस ऑफ फार्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल्स इन साइड द गैमिटेंजिया मीन्स टेस्टिज टेस्टीज के इनसाइड जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होते हैं जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स में माइटासिस डिवीजन होता है क्यों माइटासिस डिवीज़न होता है इसका रीजन क्या है ठीक है इट इज इट अकर्स इनसाइड द टेस्टीज सेमनीफेरस ट्यूबुल्स सेमनीफेरस ट्यूबुल्स इज द मेन साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस वेयर मेल जर्म सेल्स आर फाउंड जर्मिनल इट इज ऑल्सो कॉल्ड जर्मिनल एपिथिलियम सेल्स और जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स में पहले फर्स्टली माइटोसिस डिवीज़न होता है उसके बाद से मियोटिक डिवीजन होता है तो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न जब होता है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जब फार्म होते हैं ठीक है तो उस स्पर्मेटोसाइट जब फार्म होते हैं उसके आउटर का जो स्ट्रक्चर्स है उसमें पाए जाते हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल्स स्पेटोगियन सेल्स के आउटर जो होता है वह है क्या सर्टोली सेल्स सर्टोली सेल्स का मतलब नर्सिंग सेल्स नर्सिंग सेल्स का मतलब क्या इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग इस्परमेटे इस्परमिटिट्स आर जो हुईज फर्दर ग्रोइंग टू इस्परमिटो जो ठीक है मीन्स सेमनी फेरेस्टूबुल्स के इनसाइड स्पर्मेटोगोनियल सेल्स पाए जाते हैं और उस स्पर्मेटोगोनियल सेल्स में ठीक है माइटोसिस डिवीजन होता है स्पेंटोगिया में तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पाए बनते हैं प्राइमरी परमिट साइड्स फर्स्ट माडी डिवीजन के थ्रू बनते हैं और प्राइमरीज साइड्स से कन्वर्ट्स होते हैं सेकेंडरी परमिट साइट्स में और दे गेट्स नरिशमेंट टू द सर्टोली सेल्स ठीक है सर्टोली सेल्स का सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वह है क्या इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म ठीक है डायग्राम में ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि डिफरेंट इसमें सर्टोली सेल्स कहाँ पर है जर्मल एपिथीलियम सेल्स कहाँ पर हैं एंड हाउ दे गेट नरिशमेंट टू द इस जो डायग्राम जो दिया हुआ है इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कैसे जो है जर्मिनल जो सेल्स जो फार्म हो रहे हैं स्पर्मेटिस्ट के फार्म में विच फर्दर ग्रो इंटू स्पर्मेटो जो हुआ एंड फर्दर ग्रो इनटू द स्पर्म वह कैसे नरिशमेंट को ले रहे हैं किसे सरटवली सेल्स है एक और यहाँ पर इंडोक्राइन ग्लैंड के फार्म में जो काम करता है वो होता है क्या लीडिंग सेल्स विच प्रोवाइड विच हेल्प इन द फार्मेशन ऑफ स्पर्म एंड आल्सो ब्रिंग द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल्स तो स्पर्मीटो जनिस क्या है इट अकर्स द कहाँ से स्टार्ट होता है एट द टाइम ऑफ पीबोटी पीबॉटी के टाइम पर स्टार्ट होता है और प्रोड्यूसिंग द ठीक है इमेन्स नंबर्स ऑफ द स्परमेटो जोवा डिफरेंट फार्म नंबर ऑफ स्पर्मेटो जो फार्म होते हैं द स्पर्म विल मेच्योर इन द क्या कहाँ पर अब उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर्स है हम देख सकते हैं इसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर्स होता है टेस्टिज में वह है क्या एपडीडाइमिस एपडी के में वो क्या होते हैं सम टाइम स्टे करते हैं और वो उसी में मेचोर्ड होते हैं और सर्टोली जो सेल्स होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एपडी जो होता है उसके जस्ट एब का जो पार्ट्स होता है ठीक है सर्टोली सेल्स हो गए स्पेंड्रगोनियल सेल्स हो गए और सर्टोली सेल्स के बाद से जो इस के बाद सर्टोली सेल्स है सर्टोली सेल्स नरिशमेंट गेन करते हैं उसके बाद एप डायमिस है उसके पहले भी स्ट्रक्चर्स हैं प्रदीप की बुक्स में हम देख सकते हैं जैसे कि रेडी टेस्टी है रेडी टेस्टी में भी कुछ समय के लिए वह स्टे करते हैं और नरिशमेंट गेन करते हैं उसके बाद ए डायमिस है एफ डायमिस में आते हैं तो इन एट दिस प्लेसेस स्पर्म आर स्टे फॉर टाइम एंड गेट्स नरिशमेंट एंड मेच्योर्ड ठीक है यहाँ पर हम देख सकते हैं एबडी का जो पार्ट है एवडी है एवडी के साथ साथ ये पूरे टेस्टिस का कट है और वॉस डिफरेंस है वॉस डिफरेंस कैसे जो है वो गया हुआ है ऑलरेडी वास्ट डिफरेंस वाइस डिफरेंस का मेन रोल यह होता है इट कैरी द स्पर्म हम यहाँ पर देख सकते हैं और साथ में इसके बाद से है क्या सर्डोली सेल्स सर्डोली सेल्स का क्या रोल होता है रिप्राइट नरिशमेंट अगर इसकी समरी को अगर हम देखते हैं अगर इसकी समरी को अगर देखा जाए शुरू से तो टेस्टीज के इनसाइट जो टेस्टीज में जो दिखाई दे रहे हैं टेस्टीज के इंसाइट क्या होते हैं सेमनीफेरेस ट्यूबुल्स होते हैं सेमनीफेरेस्ट ट्यूबुल्स में क्या होते हैं जर्मिलपिथीलियम सेल्स होते हैं जर्मिलपिथीलियम सेल्स में क्या होता है जर्मिलपिथी सेल्स में माइटासिस डिवीज़न होता है फर्स्टली माइटासस डिवीजन से क्या बनते हैं प्राइमरी प्राइमरीसाइट्स बनते हैं प्राइमरी स्पेन्न में म्यौरी डिवीज़न होता है सेकेंडरी स्परसाइड्स है, बनते हैं सेकेंडरी स्परसाइड से फिर से डिवीजन होता है तो स्पर्मिटिट्स बनते हैं आर नरिशमेंट टू द सर्टोली सेल्स वो सर्टोली सेल्स से जब नरिशमेंट गेन करते हैं दे मेचोर इन टू द स्परमिट और स्पर्मिटो के फार्म में फिर फर्दर ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद से वह डेवलप कर जाते हैं ग्रो करने के बाद से फिर आते हैं एवडी डायमिस में एवडी डायमिस में कुछ समय के लिए स्टोर्ड होते हैं और दे गेट्स अ नरिशमेंट एंड मेच्योर्ड इनसाइड द एबरीडाइमिस एवरी के ऊपर जस्ट देख रहे हैं एब्रीडाइमिस के ऊपर क्या है ऑलरेडी वास डिफरेंस है वास डिफरेंस जो है वो जाकर के कनेक्ट होता है इजेकुलेटरी डक्ट से और इजेकुलेटरी डक्ट के पास कई तरह के ग्लैंड होते हैं तीन तरह के मेन ग्लैंड होते हैं उसमें सेमिनल वेसाइकिल पोस्टर ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड तीन तरह के वहाँ पर ग्लैंड पाए जाते हैं इन ग्लेंस का काम यह होता है दे प्रोवाइड द फ्लूडिटी टू द डेवलपिंग स्पर्म मेच्योरिंग स्पर्म उसके बाद से यूरिथ्रा हैथरा कनेक्ट टू द पेनिस उसके बाद से एट द टाइम दे आर रिलीज फ्रॉम द दे आर रिलीज फ्रॉम द टेस्टीज जब उसकी ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसकी जब जरूरत होती है एट द टाइम ऑफ पॉपुलेशन दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द टेस्टीज एवरी टाइम इज एंड वास्ट डिफरेंस क्या करता है कैरी करता है तो ये इसकी समरी है कि हाउ द स्पर्म्स आर फार्म इनसाइड द टेस्टीज ओके थैंक्स इस पर स्टूडेंट्स नोट्स को प्रिपेयर कर लेंगे ठीक